नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। धामपुर के ग्राम भज्जावाला मार्ग पर युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। तीन दोस्तों ने की थी शुगर मिल कर्मचारी रियासत की हत्या। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। नूरपुर में नगर पालिका व तहसील प्रशासन द्वारा खाली कराई गई जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद के चलते हुआ पथराव। पथराव में तीन लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बढ़ापुर में लापता हुए युवक के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने युवक की पत्नी व सौतेले ससुर को किया गिरफ्तार। चचेरा देवर फरार। मृतक की पत्नी का चचेरे देवर से था प्रेम प्रसंग, जिसके विरोध के चलते वारदात को दिया था अंजाम। बिजनौर के कोतवाली देहात में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में गुलदार हुआ कैद। गुलदार के पकड़े जाने से ग्रामीण और वन विभाग के अफसरों ने ली राहत की सांस। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अगरौला कला गांव में यूकलिप्टस के पेड़ उखाड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। धारदार हथियार लगने से दोनों पक्षों के तीन लोग हुए घायल। चिकित्सकों ने एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल किया रखा। अमरोहा न्यायालय ने 9 साल पहले अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी रिश्ते के मामा को 10 साल की सुनाई सजा। दोषी पर 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। अमरोहा के दिदौली कोतवाली इलाके में सिनोरा मार्ग पर बाइक सवार 4-5 लोगों ने एक युवक को दबंगों ने उठाकर जमीन पर पटका और दो लोगों को लात घूंसों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पीड़ित ने 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को दी तहरीर। संभल में गाजियाबाद से चंदौसी अपनी चाचा से मिलने के लिए आ रही महिला की चलती ट्रेन से गिरकर हुई मौत। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में 10 साल की बच्ची से रेप करने वाले 70 वर्षीय आरोपी बुजुर्ग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक दुकान से कुछ सामान लेने के लिए गई थी बच्ची। मुरादाबाद में दीनी तालीम हासिल करने गई 12 साल की एक बच्ची से कुछ युवकों ने शरबत में नशा देकर की दरिंदगी। पीड़िता की बुआ ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। कोतवाली देहात क्षेत्र के जंगल में लगाए पिंजरे में फंसा तेंदुआ। तेंदुए को देखने के लिए ग्रामीणों की लगी भीड़। वन विभाग की टीम तेंदुआ को उपचार हेतु अपने साथ ले गई। दरअसल आपको बता दे, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर के आसपास तेंदुआ देखा जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग द्वारा जंगल में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था। सुबह जब किसान अपने खेत पर काम करने के लिए जा रहे थे,
तो उन्हें पिंजरे में तेंदुआ फंसा दिखाई दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को उपचार हेतु अपने साथ ले गई। पिंजरे में फंसा तेंदुआ घायल दिखाई दे रहा था। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर के शेरकोट में सैकड़ों वर्षाएं से लगने वाला जाहरवीर रामनवमी मेले के लिए तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष रणजीत सिंह दारा ने बताया कि रामनवमी मेले में विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पिछले 100 वर्षाएं से भी अधिक लगातार चल रहे रामनवमी मेले में आसपास के ग्राम व नगर के सनातनी मेले में जाहरवीर जी के झंडे पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं। जाहरवीर नवमी मेला कमेटी शेरकोट के संरक्षक एडवोकेट जितेंद्र गहलोत, संरक्षक कुंवर ठाकुर संजय गहलोत, सत्येंद्र गहलोत, पंडित शरद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी शेरकोट मंडल अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान, जाहरवीर नवमी मेला कमेटी शेरकोट अध्यक्ष रणजीत सिंह दारा, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव, महामंत्री संजीव राजपूत, विशेष सलाहकार अचल चौहान, कामेश्वर राजपूत, सतीश चौहान, रामावतार यादव, बाबू चौहान, डॉक्टर अमित चौहान, शेरकोट नगर पालिका सभासद विपिन कुमार, राधे सैनी, दिनेश सैनी आदि लोग मौजूद रहे। शेरकोट से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। त्योहारा में हमारा समाज हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के स्योहारा में ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत यूनिट बिजनौर की ओर से हमारा समाज हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने समाज में फैली दूरियां और बुराइयों को दूर करने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया, आज के डिजिटल दौर में आपसी मोहब्बत में दूरियां बढ़ाने में मोबाइल का भी अहम रोल है। इस मौके पर मौलाना अरशद नदवी ने जानकारी देते हुए बताया, ऑल इंडिया प्यामे इंसानियत फॉर्म सामाजिक कार्य करती रहती है, जैसे गर्मी में शीतल जल पिलाना, सर्दियों में लिहाफ बांटना, जरूरत पड़ने पर मेडिकल कैंप का आयोजन संस्था द्वारा किए जाते हैं। आज के दौर में हिंदू मुस्लिम में दूरियां बढ़ रही हैं, उसे दूर करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिससे हमारे बीच आपस में भाईचारा बना रहे और पहले की तरह सभी धर्म के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष शेख फैसल वारसी, थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव चौधरी, डॉक्टर अलाउद्दीन सैफी, रजत रस्तोगी उर्फ श्यांकी भैया, वसीम अहमद, इंद्र सिंह, विजय यादव, मोहम्मद साजिद, कांता प्रसाद पुष्पक, कांग्रेस नगर अध्यक्ष खलीक चौधरी सहित शहर व क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो आठों बराबर एक आदमी का काम करता है, ज्यादा काम करता है, एक परिवारी जिम्मेदारी होती है, एक नाम होता है, उसको सब समझाते कहते हैं, ऐसे समाज ही होता है। तो समाज में एक बार भाईचारे की बात करता है, एक बार सहजे की बात करता है, लेकिन अगर भाईचारे की बात करने वाले की संख्या ज्यादा होता है तो मेरा मानना है कि समाज में संतुलन ज्यादा बनेगा, सुख शांति ज्यादा रहेगी और आने वाले के संख्या कम बात उद्देश्य है आपस में भाईचारा कायम करना और हम जो आपस में एक दूसरे से बटे हुए हैं उसको करीब लाना और इन नफरतों को ख़त्म करना। तो आज के प्रोग्राम में क्या क्या आज के प्रोग्राम में माशाल्लाह सब लोग जुड़े, हिंदू भी मुस्लिम भी, सारे मज़हब के लोग जुड़े हैं, सब धर्मों के लोग जुड़े हैं और सब ने अपने अच्छे विचार व्यक्त किए कि हमें इस काम को करना चाहिए और ये वक्त की ज़रूरत है कि इस काम को करा जाए, आपस में मोहब्बतें पैदा की जाए और आपस में ताल्लुकात कायम की जाए। अफजलगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर वन विभाग के केहरीपुर कार्यालय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट पेंटिंग बनाने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर अमानगढ़ के रेंज कार्यालय केहरीपुर पर एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने बताया कि गिद्ध मृत प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह ये कई तरह की गंभीर संक्रामक बीमारियों से मनुष्यों की सुरक्षा करते हैं। गोष्ठी में गिद्धों के सामाजिक महत्व एवं उनके संरक्षण पर बल दिया गया। गोष्ठी में स्कूली छात्र छात्राओं ने पेंटिंग के माध्यम से गिद्धों के महत्व को दर्शाया। उत्कृष्ट पेंटिंग बनाने वाले छात्र छात्राओं को विभाग की ओर से पुरस्कार भी दिए गए। गोष्ठी में एसडीओ अंशुमान मित्तल, वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर आरके सिंह, अमानगढ़ रेंज स्टाफ, स्कूली बच्चे एवं ग्रामीण शामिल हुए। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का,
पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। कस्बा झालू की साक्षी चौधरी ने PCSJ की परीक्षा में 173वीं रैंक प्राप्त की है, जिससे नगरवासियों के साथ साथ जनपदवासी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साक्षी चौधरी ने हमारे संवाददाता को बताया कि उसके यहां तक पहुंचने का सबसे बड़ा श्रेय वो उनकी कामयाबी का राज उनकी फैमिली का सपोर्ट है, जो उनके साथ कदम कदम पर खड़ी रही है। साक्षी ने बताया कि उन्हें अपने दादाजी व पिता से बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी माता एक स्कूल भी चलाती है, जिसमें उन्होंने भी 8वीं तक पढ़ाई की है। साक्षी के पिता एक एडवोकेट थे और उनका सपना भी उन्हें न्यायिक सेवा में देखने का था। साक्षी ने बताया शुरू में वो इंजीनियर बनना चाहती है, परंतु उनके चाचा जितेंद्र चौधरी ने उनका मार्गदर्शन किया और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई करने चली गई। और फिर उनका लक्ष्य सिर्फ PCSJ उत्तीर्ण करना था। उन्होंने इससे पहले बिहार PCSJ की परीक्षा भी दी थी, उसमें भी साक्षी इंटरव्यू तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। इसके बाद इन्होंने दूसरे बार में UPPCSJ की परीक्षा दी, जिसमें वो कामयाब रही और 173वीं रैंक प्राप्त की। साक्षी शादीशुदा है और उनके पति नोएडा की एक कंपनी में इंजीनियर है। वही साक्षी के घर जाकर कांस्टेबल अमित दलाल व कांस्टेबल राजीव कुमार ने साक्षी को शुभकामनाएं प्रेषित की। झालू से तुबासीन कस्सार की रिपोर्ट। मेरा नाम साक्षी चौधरी है और मैं कस्बा झालू से बिलोंग करती हूँ। और अगर मेरी एजुकेशन के बारे में बात करें तो 8th क्लास तक मैं यहीं पर BM पब्लिक स्कूल जो झालू में वहाँ पर पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद मेरी 10th 2010 में एयर इंटर मॉडनेरा पब्लिक स्कूल से हुई है। फिर 12th में मैंने PCM से एयर इंटरनेशनल स्कूल से 12th किया है। उसके बाद अगर मैं अपने करियर के बारे में बताऊँ आपको, तो मैं पहले इंजीनियर बनना चाहती थी, बट फिर मेरी फैमिली के कहने पर, जैसे मेरे चाचा जी थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंजीनियरिंग से बेटर मतलब मैं जुडिशरी में कर सकती हूँ। तो फिर तभी मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया, PCM से मैं उसमें चली गई, इसमें जुडिशल के लिए। मैंने तभी से ही 2012 के लिए मैंने सोच लिया था कि मुझे जज बनना है। तो मैंने फिर जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो RSMPG कॉलेज धामपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया BA। फिर उसके बाद मेरा जो लॉ कंप्लीट हुआ है वो दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने लॉ किया है 2019 में। उसके बाद मैंने लॉ कंप्लीट करने के बाद मैंने राहुल IAS से कोचिंग ली और बस फिर तभी से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर ली। सबसे ज़्यादा तो मेरे परिवार का ही रहा है, मेरी मदर का। परिस्थिति ऐसे आई थी कि मेरे फादर का ही सपना था, वो एडवोकेट थे मेरे पापा यहाँ बिजनौर में, स्वर्गीय नरेंद्र कुमार एडवोकेट। तो उनका ये सपना था कि मैं मतलब जज बनूं, तो सपना तो उनका था, मेरे चाचा का सपना था। फिर उनके जाने के बाद उस टाइम पे थोड़ी परिस्थिति में आया ऐसा, पर मेरी मदर ने मतलब जो एकदम पूरा सपोर्ट रहा है, मेरी मदर का पूरा सपोर्ट रहा है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, मेरी फैमिली, मेरा भाई, मेरी बहन। और जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम सपोर्ट रहा है वो मेरे चाचा का रहा है, जो मेरे चाचा है जितेंद्र चौधरी, तो उनका कि वो हमेशा मतलब पीछे खड़े रहे हैं कि नहीं कि तू कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कि बस मेहनत करते रहो, फल जरूर मिलेगा। तो हर सपोर्ट तो मैं यही कहूँगी कि आज जो मैं हूँ वो अपनी फैमिली की वजह से हूँ, कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और फिर सबसे बड़ा बात तो मैं ये कहूँगी, जैसे तो मेरे बाबा जी थे, शायद सब जानते भी हैं उनको, चौधरी महावीर सिंह, तो उनका भी एजुकेशन के लिए हमेशा से ये रहा था कि सब पढ़े। तो इतने टाइम पहले अराउंड 1980s में मतलब मेरी बुआ जी पहली यहाँ की डॉक्टर बनी थी झालू की, तो कहीं ना कहीं हाँ बिजनौर में पहली वो जाट लड़की थी जो डॉक्टर बनी थी। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो सारी मेरे लिए इंस्पिरेशन के फैक्टर रहते थे कि बुआ जी ने ऐसा किया है तो मतलब मुझे भी कुछ करना है। और फिर मेरी मदर, उन्होंने भी शादी के बाद आके यहाँ पे अपना एजुकेशन किया, वो अपना स्कूल संभाल रही है, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर रहता था। मेहनत कभी भी सफल नहीं जाती है, मेहनत सफल नहीं होती। धामपुर के ग्राम भज्जावाला मार्ग पर युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 3 दोस्तों ने की थी शुगर मिल कर्मचारी रियासत की हत्या।
तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। दरअसल आपको बता दे, जनपद बिजनौर के धामपुर के ग्राम भजरावाला मार्ग पर एक युवक का शव रक्तरंजित हालत में पड़ा मिला था। मौके पर एक शीतल पेय की बोतल, नमकीन की थैलियां पड़ी हुई थी, चप्पल भी घटनास्थल से कुछ दूर सड़क किनारे पड़ी मिली थी। पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया था, लेकिन पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मामले की जांच में जुटी हुई थी। देर शाम मोर्चरी में मृतक की पहचान रियासत पुत्र मोहम्मद अली निवासी मिलक पूरनपुर धामपुर के रूप में हुई थी। मृतक युवक धामपुर शुगर मिल में मजदूरी का कार्य करता था। वहीं पुलिस ने देर रात ही ऋतिक चौहान निवासी ग्राम नौरंगाबाद थाना धामपुर, जो कि लक्ष्य कॉलेज में BBA का छात्र है, व अनमोल वर्मा पुत्र पंकज वर्मा जो कि लक्ष्य कॉलेज में BSc का छात्र है और विशाल पुत्र आनंद को मृतक की साइकिल व विवो का मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त स्कूटी व पत्थर सहित गिरफ्तार किया है। इन तीनों दोस्तों ने मृतक रियासत जब देर शाम साइकिल से अपने घर जा रहा था तो वही घर जा रहे रियासत के पीछे अपनी स्कूटी लगा दी और कहा सुनी के चलते आरोपियों ने सूनसाम इलाके में पत्थर से उसका सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। प्रभारी निरीक्षक थाना धामपुर अनुज कुमार तोमर, अपराध निरीक्षक अता मोहम्मद, रानी बाग चौकी इंचार्ज संदीप शर्मा, हेड कांस्टेबल मनीष खोखर, हेड कांस्टेबल कपिल आर्य, हेड कांस्टेबल राजनेश, कांस्टेबल रणजीत मलिक ने गिरफ्तार किया। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ। नमस्कार।